तो देखिए जो छात्र हैं उनकी भी लगातार प्रतिक्रियाएं आपको दिखा रहे हैं कि उनकी मांगे क्या हैं, और पटना से लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं हमारे सहयोगी रुपेश कुमार। एक बार फिर से उनका रुख करते हैं। रुपेश, छात्रों की मांगे तो हमने सुन ली, काफी नाराज है वो, छात्राएं भी पहुंच गई हैं, बीजेपी दफ्तर के बाहर प्रोटेस्ट हो रहा है, लेकिन क्या सरकार की ओर से या फिर बीजेपी ऑफिस से कोई निकलकर छात्रों तक पहुंचा है आश्वासन देने के लिए, या पुलिस प्रशासन की ओर से कि उनकी मांगों पर विचार किया जाएगा? देखिए, पुलिस प्रशासन की तरफ से लोग पहुंचे हैं, लेकिन उनकी कोशिश ये है कि इनको कैसे यहाँ से हटा दिया जाए, ये जो परेशानी उनके पास आई है उसे किस तरह से निपटा दिया जाए। भारतीय जनता पार्टी के कुछ कार्यकर्ता जरूर बाहर निकल कर आए थे और वो तीन छात्रों को अंदर ले जा करके और वो सिर्फ बात करना चाहते थे। इस बीच देखिए, छात्राएँ यहाँ सड़क पर ही धरने पर बैठ गई हैं। जो महिला पुलिसकर्मी थी उनकी कोशिश ये थी कि इनको जबरन ही सही लेकिन यहाँ से कम हटा दिया जाए, लेकिन ये जो स्कूलों से निकल करके, कॉलेज से निकल करके ये जो छात्र और छात्राएं यहाँ पर सत्ताधारी जो पार्टियाँ हैं, चूँकि इनकी सरकार ने फैसला अपना सुना दिया, शिक्षा विभाग ने अपना फैसला सुना दिया, और उसके बाद से देखिए वहाँ पर पुलिस के साथ जो छात्र हैं उनकी धक्का मुक्की वहाँ पे चल रही है। हालांकि महिलाओं के साथ भी यहाँ पर जो महिला पुलिसकर्मी थी वो यहाँ पर जरूर पहुंची थी और उनकी कोशिश क्या थी? छात्राओं से बातचीत हो सकती है वहाँ पर, आप लगातार बात भी कर रहे हैं, उनकी क्या मांग है, क्या वो सरकार तक अपनी बात पहुँचाएंगी और सरकार की तरफ से आश्वासन मिलेगा तो ये प्रदर्शन खत्म होगा? ये बताओ, हेलो, क्या 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 चाहती हो? हम लोग चाहते हैं कि कॉलेज में ही एडमिशन हो, स्कूल में एडमिशन ना हो। नहीं नहीं, कुछ जानकारी नहीं, हम यही चाहते हैं कि अगर हमारा एडमिशन मेरिट के हिसाब से हुआ है और नया नियम लागू करना है तो आपके बच्चे पे करें, जो बच्चे टेंथ के बाद एडमिशन लेंगे उनके लिए नया नियम लागू करें। हम जब कॉलेज में एडमिशन हुआ है तुम्हारा? हमारा जेडी वुमेन्स कॉलेज में एडमिशन हुआ है। किस कौन से कॉलेज में एडमिशन हुआ? जेडी वुमेन्स। अच्छा, तो आप वापस स्कूल नहीं जाना चाहती? रह रहे के किस तरीके से छात्राएं खास करके आंदोलित हो रही हैं और ये जस्टिस मांग रही हैं, ये कह रही हैं कि हम वापस स्कूल में फिर से नहीं जाएंगे, जिस स्कूल से निकल करके वापस आए हैं। हालांकि सरकार ने बहुत पहले ही स्कूलों की व्यवस्था दुरुस्त की, वहां बिल्डिंग्स बनाए और ये कहा कि अब 10+2 की पढ़ाई स्कूलों में भी होगी, जिसे उच्चतर माध्यमिक की पढ़ाई करते हुए प्लस टू तक की पढ़ाई को स्कूलों के साथ संबद्ध कर दिया गया है, यानी कि ये जो संबद्धता प्रदान की गई स्कूलों को, अब ये फैसला लिया गया। जरा एक क्लियरिटी दीजिए, अभी एक छात्रा को हम सुन रहे थे, उनका ये कहना था कि अभी हम स्कूल में कॉलेज में 11th क्लास में है, लेकिन अगर कॉलेज में ये पढ़ाई बंद करके स्कूल में री एडमिशन लेना पड़ेगा तो क्या इसे लेकर के ही पूरा बवाल हो रहा है, पूरा गुस्सा इसी लेकर के ही है कि 11th की जो पढ़ाई है वो फिजूल जाएगी? देखिए, मैट्रिक पास करने के बाद से छात्रों ने 11th में कॉलेजों में एडमिशन ले लिया है, सेशन शुरू होने वाला है लेकिन एडमिशन हो चुका है, एक महीने की फीस भी ये जमा कर चुके हैं और इस बीच ये फैसला हुआ कि अब 10+2 की पढ़ाई स्कूलों में होगी, लिहाजा इन छात्र छात्राओं को ये कहा गया कि अब आप फिर से अपने स्कूल में ही चले जाएँ। और इधर इन लोगों ने कॉलेजों में एडमिशन ले लिया है, कॉलेज प्रशासन ने एडमिशन ले लिया है, क्योंकि उस वक्त तक कॉलेजों के पास भी ये क्लैरिटी नहीं थी कि यहाँ 10+2 की पढ़ाई करनी है या भी नहीं करनी है, एडमिशन लेना है या नहीं लेना है, लेकिन जिन छात्र छात्राओं ने मैट्रिक, बिल्कुल रुपेश, तस्वीरें हम देख पा रहे हैं किस तरह से ये छात्र छात्राएं यहाँ सड़कों पर हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, आप नजर बना रखें। बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल इस अपडेट के लिए, इस जानकारी के लिए।